25 मई को पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद और मुकदमा दर्ज करने का मामला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सरबराही इजलास में रिपोर्ट पर गौर के बाद अहम फैसला किया गया। आईजी पंजाब को पुलिस अफसरान और नून लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी है। इसी पर बात करेंगे हसन रजा से। हसन, बताइएगा ये अहम फैसला सामने आया है, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि 25 मई को पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद और मुकदमा दर्ज करने का यह मामला है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सरबराही इजलास में रिपोर्ट पर गौर के बाद अहम फैसला किया गया है, जिसमें आईजी पंजाब को पुलिस अफसरान और नून लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। हसन से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम मजीद जानेंगे। हसन, बताइएगा एक अहम फैसला सामने आया है। आज जो है 25 मई को पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पर तशद्दुद और मुकदमा दर्ज करने के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर दाखिला कर्नल रिटायर हाशिम डोगर की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से शदीद तशवीश और गम गुस्से का इजहार किया गया और ये दरख्वास्त की गई कि फौरी तौर पर साबिक पुलिस अफसरान और सियासी रहनुमाओं जो कि इनका ताल्लुक नून लीग से है और कारकुनान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किए जाएं। जो हमें धमकी दे रहे थे, जिनके अहकाम पर इकदाम किए गए, उनके खिलाफ मुकदमा छोड़ें, आप हमें एफआईआर दर्ज की जाए। तो काफी सारे मामला के बाद इजलास में ये फैसला किया गया कि 48 घंटे पंजाब हुकूमत को दिए गए और ये रिक्वेस्ट की गई, जिसमें सूबाई वजीर दाखिला ने तस्दीक की है कि हमें वक्त मिला है और आईजी पंजाब को दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर साबिक सीसीपीओ लाहौर, साबिक डीआईजी ऑपरेशन समेत दीगर पुलिस अफसरान और सियासी रहनुमा और कारकुनान जिनका ताल्लुक नून लीग से है, जिन्होंने इकदाम दिए, जिनके इकदाम पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन रहनुमाओं पर लाठीचार्ज या शेलिंग और मुकदमा दर्ज किए गए, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।